हेलो एरीवन दिस इज द पार्ट टू ऑफ द थर्ड लेक्चर ऑफ लाइट्शन एंड रीफ्रैक्शनिंग पार्ट ऑफ लेक्चर थ्री नाउ द फिफ्थ केस विच इज ठीक है आप फिफ्थ पोजिशन को देख लेते हैं तो अगेन ये कॉन्केव मेयर हो गया और कॉन्केव मियर में इस बार जो हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं बिटवीन एफ एंड एट एफ एक्चुअली ठीक है हम एट एफ पे रख देंगे तो जैसे ही एफ पे रखेंगे तो एक लाइट रे हम पैरल ले लेंगे पैरल लाइट रे कहाँ से जाती है फोकस से और एक लाइट रे हम पोल्स ले लेंगे तो जब भी कोई लाइट रे हम पोल से लेते हैं तो जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ठीक है सो तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे एक पैरल रे मिल गई है ठीक है तो ये जो पैरल रेज है ये कहाँ पे जाके मीट करती हैं तो ऐट इन्फिनिटी पर यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट को एट एफ रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी ओके और जो इमेज होगा दैट विल बी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ठीक है सो रियल एंड इनवर्टेड तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज कि इमेज सबसे पहले इन्फिनिटी पे बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा इसके बाद जो सिक्स जो केस है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वाई बिकॉज अभी तक जितनी भी इमेज बनी हैं दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड बट इस केस में क्या होता है कि अपने पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है कैसे सो लेट्स ए हमारे पास ये प्रिंसिप्ल एक्सेस है योग्या फोकस योग पोल और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट रख दें लेट से हमने ऑब्जेक्ट कोई रख दिया ए बी तो इस केस में अगर इसका हम इमेज बनाने जाएंगे तो लेट से पहला रे हो गया और ये रे पैरेलल है तो कहाँ से जाएगा ये जाएगा फोकस से इस तरीके से और एक रे हम ले लेंगे पोल से तो जितना एंगल बना के आया था उतना ही एंगल बना के वापस लौट जाएगा लेकिन ये दोनों जो रेज़ हैं फर्स्ट रे और सेकेंड रे ये डाइवर्जिंग रेज़ है तो डाइवर्जिंग रेज कहीं मीट नहीं करती ऑल दो पैरल रेज अपीयर होती हैं मीट करते हुए एट इन्फिनिटी बट ये जो अपने एक्चुअली इन्फिनिटी पर मीट करती हैं बट ये जो अपने पास दोनों रेज हैं ये डाइवर्जिंग रेज है तो डाइवर्जिंग रेज के इमेज को बनाने के लिए हम क्या करते हैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे बिहाइंड द मिरर और फिर यहां पे जो बन जाएगा दैट इज इमेज तो हमने ऑब्जेक्ट ये ले लिया और इमेज बन गया ए डैश बी डैश अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब हमारी इमेज रियल नहीं है कैसी है तो वर्चुअल है क्योंकि रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रही है और साथ ही साथ इरेक्ट है इरेक्ट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सीधा है उसकी इमेज भी सीधी है ठीक है सो वर्चुअल एंड इरेक्ट और इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है तो दैट इज़ बिहाइंड द मिरर ठीक है मिरर के क्या है पीछे बन रही है इमेज और साथ ही साथ एनलार्ज इमेज बन रही है जो इमेज है हमारी दैट इज़ एनलार्ज एनलार्ज का मतलब होता है बड़ी इमेज बन रही है ठीक है तो कई बार ये केस पूछा जाता है कि बताइए हम ऑब्जेक्ट को कौनके मिरर के सामने कहाँ पर रखें ताकि हमें एक एनलार्ज इमेज मिले जो कि वर्चुअल और इरेक्ट हो तो सो आंसर विल बी बिटवीन फोकस सो दिस विल बी बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर ठीक है जब फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दीजिए जो आपकी इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड ठीक है सो तो ये एक स्पेशल केस है कौनके मिरर का कि जब भी हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो बनेगा दैट विल बी बिहाइंड द मिरर एज वेल एज इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है और एनलार्ज इमेज बनेगी और इसी कंडीशन को हमारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जब भी अपने को डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो ये जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन को यूज़ करते हुए वो डेंटिस्ट क्या करते हैं इमेज को जो भी आपका तूत होता है तूत की इमेज को बड़ा करके दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मिरर तो ये जो मिरर है दिस इज़ ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट ठीक है सो यूज बाई डेंटिस्ट ये डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको शेविंग मिरर भी कहा जाता है शेविंग मिरर शेविंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्कीव मिरर की बात चल रही थी ठीक है अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है उसके कितने पॉसिबल केसेज है ठीक है नोटिस कीजिए यहां पे आपके छह केसेज हैं सो लेट्स सी की हाउ मेनी केसेज आर पॉसिबल इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर सो इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ बाई अ कॉन्वेक्स मिरर शुड बी बाई अ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसकी जो इनर पार्ट रहेगा वो शेरिड रहेगा और आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा ठीक है तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो फोकस होगा वो भी अंदर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर होगा तो हम ऑब्जेक्ट को ना फोकस पर रख सकते हैं ना ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं ना ही बिटवीन पोल एंड फोकस रख सकते हैं तो सिर्फ दो ही केस बनता है या तो हम इन्फिनिटी पर रख दें यानी बहुत ज़्यादा दूर रख देंगे और जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिटी पर रखेंगे तो रेज कैसी आएंगी रेज आएंगी पैरल और पैरल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रहे हैं फोकस से जा रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से फोकस से हम एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना देंगे ठीक है और इसका जो सेकंड केस है दिस वाज फर्स्ट केस एट इन्फिनी और इसका जो सेकंड केस है वो होता है हमारा कि हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने कहीं भी रख दें मतलब इन्फिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दें एनी बिटवीन द इन्फिनिटी सो ये हो जाएगा एनी बिटवीन पोल एंड द इन्फिनीटी इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं भी रख दें मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो देखते हैं कैसे बनेगी तो हमने एक पैरल ले लिया है तो पैरल रेस कैसा अपीयर होता है कहाँ से जाते हुए तो ये लगता है कि फोकस से जा रहा है तो इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे इस तरीके से जैसे इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे उसी तरीके से एक रे हम पोल से ले लेते हैं तो पोल को एक्सटेंड करने के बाद क्या कर देंगे जितना एंगल बना के आया था उतना एंगल बना के वापस और इसको भी हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो जहाँ भी ये दोनों वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट करेंगी यानी यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी तो इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश ठीक है राइट ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है दिस इज ऑब्जेक्ट एंड जो ए डैश बी डैश है ये हमारी इमेज है राइट तो यहाँ पे कैसा है जो साइज है सबसे पहले क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और साथ ही साथ इसकी जो इमेज है दैट इज डिमेनिस्ड ठीक है या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कह सकते हैं ठीक है डिमेनिस्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से क्या है छोटा है राइट सो दिस इज द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ठीक है और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो इमेज है वो क्या कर रहा है छोटी बना रहा है तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है इन रियर व्यू मिरर्स ठीक है कि व्हीकल्स में आपने देखा होगा कि गाड़ियों को पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए वो क्या करते हैं इसी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट अपना रहेगा उसकी ये इमेज छोटी करके दिखाएगा ठीक है और इसीलिए जो अपना कॉन्वेक्स मिरर होगा वो बड़े एरिया को छोटे मिरर में कवर अप कर पाएगा

बिटवीन द फोकल लेंथ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस कैसे तो एफ जो है ये क्या है फोकल लेंथ क्या होती है फोकल लेंथ अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद यू क्या होता है यू को कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो वी है वी को कहा जाता है इमेज डिस्टेंस अब इसको अप्लाई कैसे करना है डिस्टेंस ठीक है सो so, सबसे पहले u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ को हम समझेंगे ठीक है तो कोई भी अगर अपने पास मिरर है मान लेते हैं ये मिरर हो गया कॉन्वैक्स मिरर तो इसका ये प्रिंसिपल एक्सेस और एक तरफ हम देखेंगे कौन के मिरर तो इसका आउटर पार्ट शेडेड रहेगा और इनर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा ठीक है तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर की साइड होगा ठीक है इसका फोकस यहाँ पे होगा इसका फोकस यहाँ पे होगा ये हो गया पोल और ये हो गया पोल ठीक है अगेन मैं बता देता हूँ दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉन तो यहाँ जानने वाली बात इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो अपने पास पी एफ जो डिस्टेंस है ये जो पी एफ है यहाँ भी जो पी एफ है इस डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ ये जो पी एफ डिस्टेंस है मतलब फोकल लेंथ होता क्या है सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर इसमें भी सेम पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस उसी तरीके से ये जो पी है पी को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रिलेशनशिप होता है वो ये होता है एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू मतलब जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा ठीक है अगेन जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा ठीक है दूसरी बात यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव रखनी है और अगर हम कॉन्कीव मिरर की बात करेंगे तो जो फोकल लेंथ रखना है हमें नेगेटिव रखना है ठीक है क्यों रखना है नेगेटिव इसको हम थोड़ी देर में साइन कन्वेंशन में सीखेंगे ठीक है सो so, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और अगर कॉन्कीव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रखना है ठीक है अब देखते हैं इस फार्मूला को हम अप्लाई कैसे करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं इस फार्मूला से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं सो so, क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि हमें दिया गया है कि एक कॉनकेव मिरर है सो so, ये कॉनकेव मिरर हो गया इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें दी हुई है थर्टी सेंटीमीटर ठीक है तो ये कॉनकेव मिरर हो गया और हमें फोकल लेंथ दी हुई है. इस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया ठीक है तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए बी है और ये जो डिस्टेंस है जो पोल से ऑब्जेक्ट तक की होती है इसी को कहा जाता है यू तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अपना डिस्टेंस है वो है लेट्स से यू इज इक्वल्स टू फोर्टी सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है लेट्स से फोर्टी सेंटीमीटर और हमसे कहा गया है वी निकालिए ठीक है, है लेकिन यहाँ हम सिंपली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय यू प्लस वन बाई वी क्यों क्योंकि हमें इससे पहले पता होना चाहिए साइन कॉन्वेंशन साइन कन्वेंशन का मतलब है कि, कि किसको हम पॉजिटिव मानेंगे और किसको हम नेगेटिव मानेंगे दैट मींस कि जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें फोकल लेंथ क्या लेनी है नेगेटिव लेनी है अगर वो कॉनकेव मिरर होगा ठीक है तो हमें एफ नेगेटिव लेना है दूसरी बात जो यू होगा ये भी नेगेटिव होगा क्यों नेगेटिव होगा और यही चीज़ हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन में ठीक है तो इस तरह इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए ठीक है तो शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन से सो साइन कन्वेंशन देखते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन आपके काम आएंगे ठीक है पहली बात मान लेते हैं ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है और यहाँ पे हमारा पोल है ठीक है लेट्स से अभी हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो ये पोल हो गया लेट्स से दिस इज मिरर ठीक है तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हमने यहाँ रखा हुआ है ठीक है तो जो भी हम डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा पोल से निकालेंगे ठीक है और पोल से जो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे अगर वो डिस्टेंस इंसीडेंट रे के मान लेते हैं ये हमारी इंसीडेंट रे है तो अगर जो डिस्टेंस हमारे इंसीडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो वो हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेंगे फिर कह रहा हूं कि इंसीडेंट रे के डायरेक्शन वाले सारे को हमें क्या लेना है पॉजिटिव और इसके अपोजिट वालों को हमें क्या लेना है नेगेटिव ठीक है जैसे इस केस में मान लेते हैं अगर हम इसका इमेज बनाने जाएं तो कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा पोल से एंड देन इस तरीके से ये हो गया और इसको फिर पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से तो इमेज यहाँ पे बनेगा ठीक है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम V बोलते हैं V का मतलब ये हो जाएगा इमेज एंड देन डिस्टेंस ठीक है तो यहाँ पर अगर पोल से हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या आ जाएगी तो ये आ जाएगी पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों क्योंकि ये जो हमें डिस्टेंस मेजर करनी है हमेशा पोल से करनी है तो मैं लिख देता हूँ all the distances should be all the distances should be measured from the pole of the mirror ठीक है so measured from pole of the mirror जो भी हमें distances measure करनी है वो हमेशा pole से करनी है ठीक है और last and final जो sign convention है वो ये कहता है कि अगर कोई भी height principal axis के ऊपर है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और अगर कोई भी हाइट इसके नीचे है तो इस हाइट को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे मतलब ऑल द हाइट एवब द प्रिंसिपल एक्सिस इज एज पॉजिटिव और जो भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा इसको हम नेगेटिव लेंगे ठीक है तो अगेन साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है क्या या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो जितनी भी डिस्टेंसेज होगी हमेशा हम पोल से निकालेंगे दूसरा क्या कि जो भी डिस्टेंस हम इंसीडेंट रे के अलोंग लेंगे वो पॉजिटिव लेना है हमें और अगर अपोजिट लेंगे तो उसे हमें नेगेटिव लेना है ठीक है और लास्ट एंड फाइनल ये है कि जो भी डिस्टेंस या लेंथ हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे हाइट वो पॉजिटिव और जो नीचे लेंगे वो नेगेटिव ठीक है सो so, ये साइन कन्वेंशन हो गया अब जो आने वाले लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ठीक है सो टिल देन कीप लर्निंग सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर